बिहार के 38 जिलों के 114 सेंटर पर शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ। ये वैक्सीन के दूसरे फेज का ड्राई रन है। इसी के तहत पूरे देश के साथ साथ पूर्णिया में भी कोविड-19 का टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले पूर्णिया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने टीका लिया। मौके पर सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि जिले में लगभग 14,000 कोरोना वायरस को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इसके लिए लगभग 500 टीकाकर्मी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगाने के 28वें दिन दोबारा टीका लिया जाएगा और इलेक्शन मोड में मतदान केंद्रों पर टीका लगाने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को यही कहना है कि इसके प्रति जागरूकता बनाए रखिए, कोई इसमें खतरा नहीं है, सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए और ये वैक्सीन सारे स्ट्रेन से, कोविड के का नया भी जो स्ट्रेन निकला हुआ है उससे ही बचाव करता है, ये सबको वैक्सीन लेना चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? सावधानी वही पहले से भी जो हम लोग देखते आ रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब एकदम वो जो पहले हम लोग करते आ रहे थे वो एकदम करना है। उसमें कोई वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या करने की जरूरत है? वैक्सीन लगाने के बाद से 40 मिनट बैठना है ऑब्जर्वेशन रूम में, हल्का बुखार या एक दिन बाद भी, हम लोग जैसा देखा टीवी पर, एक दिन बाद भी फीवर हो सकता है, हल्का फीवर हो सकता है, वहाँ रेडनेस हो सकती है, बहुत लोगों को नहीं तो चक्कर भी आ सकता है, तो बैठेंगे। कोई अभी तक कोई ऐसा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो कोई जगह पे ड्राई रन हो रहा है अभी हम लोग के यहाँ 3 जगह पर हो रहा है, सदर अस्पताल में, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में और कस्बा में। कितने लाभार्थियों को ये दिया जा रहा है? 25 75 25 25। ये हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरे देश में चल रहा है, जिला ही नहीं है, एक साथ। तो कितने दिन के बाद दोबारा फिर लेना? फिर 28 दिन के बाद लेना। इसके अलावा कैमूर जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर आज से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। भभुआ PHC पर ड्राई रन के समय सिविल सर्जन और DPM मौजूद रहे। जिन स्वास्थ्य केंद्र पर ड्राई रन शुरू हुआ है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भभुआ, चैनपुर और अनुमंडल अस्पताल मोहनिया शामिल है। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए प्रत्येक सेंटर पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को चयनित किया गया है, जो टीका देने से लेकर अपलोड करने तक का जिम्मेदारी और आने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के समय मौजूद रहे स्वास्थ्य कर्मियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैमूर जिले में 3200 स्वास्थ्य कर्मी और 3300 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का निबंधन कैमूर जिले में पहले चरण में करा दिया गया है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण तिवारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा है, जिससे कि जब वैक्सीन आएगा तो लाभार्थी को कैसे दिया जाएगा इसका मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो चिन्हित व्यक्ति हैं उन्हीं को वैक्सीन मिलेगा, जिसका मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम लोग पूर्व आकलन करके सावधान हो जाएंगे। ये ट्रायल हो रहा है, जिसको कहता है कि हम लोग इसका मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ताकि जब वैक्सीन आएगा तो हम लोग लाभार्थी को कैसे वैक्सीन देंगे। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो चिन्हित व्यक्ति हैं उन्हीं को वैक्सीन फर्स्ट फेज में मिलेगा और ये वैक्सीन देने का एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, ताकि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी स्तर पर तो हम लोग उसका पूर्व आकलन करके और उसका समाधान निकाल सकें। सर, कितने जगह पर कैमूर में दिया जा रहा है, कितने लोगों को दिया जाएगा? ये 3 जगह कैमूर में दिया जा रहा है, PHC भभुआ, केवा स्कूल चैनपुर, जो चैनपुर PHC के अंतर्गत है, और अनुमंडल अस्पताल मोहनिया। अभी मॉक ड्रिल में हम लोग 25-25 आदमियों को चिन्हित किए हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन लोगों को ही मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है। कि सेकेंड डोज उनका कब होगा? 28 दिन के बाद में फिर यही मॉक ड्रिल का करने की योजना थी, लेकिन वैक्सीन आ जाने के बाद में हम लोग उस वैक्सीन के हिसाब से हम लोग 28 दिन के बाद में करेंगे। कि इसके लिए 25 जो हमारे हेल्थ कर्मी है उसको चिन्हित किया गया है, उसके सारे प्रोसेस को हम लोग रिहर्सल ड्राई रन की तरह कार्य करेंगे। पहले सैनिटाइजेशन कराएंगे, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चेक होगा, फिर आके ऑनलाइन हमारा सिस्टम में उसका चेक करेंगे, फिर सिस्टम के पास जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में डालेंगे, फिर वेटिंग आवर जो है 30 मिनट्स उसको वेट कराएंगे, उसके बाद उसको सारा प्रोसेस का हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं।
उसी को लगे, वहाँ तीन डस्टबिन बनाए हैं, उसका क्या मतलब है कि जैसे रेड होता है, रेड में आपको जो भी हमारा सरिंज वगैरह है उसको डिस्पोज करना है, यूज़ करने के बाद उसको हब कटर में करना है, ब्लैक में जो है आपको जनरल वेस्ट डालना है, ये सारे इसीलिए तीनों चीज़ की ज़रूरत, तीनों कलर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने लगाया उसका।